बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक, और सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है। उसका 10.2 इसका यूनिट है हमारे पास, एक्चुअली यूनिट 2 10 है इसका, लेकिन 10.2 का उसको स्टडी करेंगे, जिसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव की प्रॉपर्टी का स्टडी करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई लाइट आती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट का मतलब है टकरा के गुजर गई लेकिन उसके अंदर से पास नहीं हुई, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन। अगर कोई चीज रे आई उसमें से पास होके गुजर जाए वो कहलाएगा रिफ्रेक्शन। ठीक है, और अगर कोई इसमें होल कर दें और फिर कोई वेव्स आए और पास हो जाए तो वो डिफ्रेक्शन कहलाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आज हमारे पास तीनों टॉपिक हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज कहलाते हैं किसकी, वेव की, कि वेव किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कहता है इसमें दो चीजें ज्यादा स्टडी की जाएगी, एक डेप्थ के ऊपर बहुत स्टडी किया जाएगा और एक वाइब्रेटर के ऊपर, कि वाइब्रेटर किस किस्म का है, किस तरह की वेव बन रही है। तो स्टडी करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है द डेप्थ एट विच द डिपर इज प्लेस्ड, कहता है गहराई, डेप्थ का मतलब कहते हैं गहराई, गहराई के अंदर यानी कि डीप में जाके कोई डिपर को हम रखते हैं उसके अंदर, डिपर है जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वेव वगैरह। इफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, अगर कोई गहराई में जाके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्स्टेकल रख दिया या कोई डिपर रख दिया, किसी तरह से भी आप समझने की कोशिश कर लें, तो जो डेप्थ है वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर इफेक्ट करेगा। व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर ऑफ द डिपर कोरस्पोंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव प्रोड्यूस, कहता है कि जो डिपर है और जो वाटर वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी लेकिन उसके एम्पलीट्यूड पे फर्क आएगा डिपर के हिसाब से। लेट अस डेमोंस्ट्रेट सम वेव प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, जिसमें वो टकरा के मुड़ जाएगी, लेकिन जिस तरह से दीवार है, दीवार से कोई लाइट टकराती है और वो इधर उधर मुनक्किस हो जाती है, इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है हमारे, तो दीवार नजर आ रही होती है हमारे को लेकिन दीवार के अंदर से पास नहीं होती। ठीक है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। और एक चीज ऐसा है, पानी है उसके अंदर से पास होके लाइट चली जाए तो वो कहलाएगा रिफ्रेक्शन, सेकंड वन है। और अगर कोई होलो पास हो, घर में होता है कहीं पे कहीं सुराख होता है, इसमें से पास हो रही होती है, रोशनी पास होके आ रही होती है, वो डिफ्रेक्शन वगैरह कहलाता है। इसमें पानी में भी करके चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। कंसर्निंग द रिपेलिंग रिपल्स टैंक से स्टडी करेंगे यहाँ पे हम इसको। तो डेप्थ का बहुत इश्यू हो यानी कि कंसर्न होगा हमारे पास, लेकिन याद रखिए एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इसको जहन में बिठा ले, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब पहला टॉपिक देखते हैं जो असल में टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो पहला वाला रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, तो कहता है फिगर 10.11, ये 10.11 दिखा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। माउस को चेक करें, माउस जहाँ पे उसी तरह से आप मूव कीजिएगा पिक्चर में। अब इस पिक्चर को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में बताएगा यहाँ पे क्या कहता है, देखें नोट्स में देखते हैं। शो हाउ वन कैन डिमोस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, हम किस तरह डिफ्लेक्शन वेव्स को डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कहता है व्हेन अ वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ इनकमिंग वेव्स, एक स्ट्रेट वर्टिकल सरफेस को रख देंगे आती हुई वेव के दरमियान में, ये एक स्ट्रेट बार है, एक बैरियर भी कह सकते हैं, एक स्लाइड भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। वेव्स आ रही हैं, कौन सी हैं, वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स आती हैं, इससे टकराती हैं, अंदर से पास नहीं होती हैं, ये स्ट्रेट बैरियर है, ये रुकावट है, सीधी एक रुकावट, उससे टकरा के वो मुड़ जाएंगी। तो आने वाली जो वेव्स हैं उनका कलर देखें आप, तो वो हमारे को ये एक फ्रोजी कलर नजर आएगा, एक ब्लूइश टाइप कलर नजर आएगा, और टकराने के बाद जो जा रही है वो ये स्ट्रेट नजर आ रही थी उसको डॉटेड में दिखाया हुआ है, वो हमें पर्पल कलर में दिखाया जाए। तो एक जो वेव टकराने से पहले की वेव उसको इंसिडेंट वेव कहेंगे, और टकराने के बाद वाली वेव को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, दो बातें आ गई यहाँ पे, एक आने वाली वेव का नाम और एक टकरा के जाने वाली वेव का नाम। आने वाली जो वेव है उसको इंसिडेंट वेव कहा जाता है, और जो टकराने के बाद वाली वेव होती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। और जो इंसिडेंट वेव है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, और इसका तरीका कार पैटर्न इस तरह से था, और टकराने के बाद वाले का रिफ्लेक्टिव वेव वाटर वेव कहलाएगा। ठीक है,
एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल को यहाँ नहीं समझ में आएगा आपको साइंस, नॉर्मल क्या होता है, ये सीधा जो ये स्ट्रेट क्या कहते हैं बैरियर है, यहाँ पे एक 90 की एक लकीर परपेंडिकुलर गिरा दें इस पॉइंट के ऊपर, ज्योमेट्री में पढ़ते थे ना, एक परपेंडिकुलर गिरा दें सीधा इसके ऊपर 90 के एंगल के साथ, वो नॉर्मल कहलाएगा। तो नॉर्मल से ज्यादा इसका कुछ एंगल होगा और नॉर्मल से ही यहाँ पे कुछ एंगल होगा। देखें इसकी पिक्चर यहाँ दिखाता हूँ, जिस तरह ये है, ये तो लाइट अंदर से गुजर के जा रही है, गुजर के जाने की स्ट्रेट नहीं कर रहे, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक 90 का परपेंडिकुलर होता है, लाइट उससे 90 से लेके इस इंसिडेंट जो रे है उसका जो एंगल है वो उसकी बात कर रहा है, और एक टकरा के चली जाएगी। ये तो अलग टॉपिक है, ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन में समझाना चाह रहा हूँ कि टकरा के चली जाएगी रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आते हैं, तो कहता है कि वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस को हमने प्लेस कर दिया, रख दिया एक स्ट्रेट सरफेस को, पिक्चर में देखना रख दिया, इंसिडेंट वेव ने आके टकराया और टकराने के बाद जो मुड़ गई उसको कहा रिफ्लेक्टेड वेव, इनकमिंग इंसिडेंट वेव से। ठीक है, इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल। कहता है कि ये जिस एंगल से, यहाँ पे मैंने कहा ना यहाँ परपेंडिकुलर हुआ होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, बीच में आके यहाँ गिर रहा होगा सेंटर में इसके, और वहां से इस लाइन से जैसे नॉर्मल लाइन होगी उससे यहाँ तक का जो एंगल होगा वही एंगल होगा इसका रिफ्लेक्टेड वेव का, यानी कि दोनों एंगल बराबर होंगे, इंसिडेंट वेव का नॉर्मल के साथ एंगल और रिफ्लेक्टेड वेव का नॉर्मल के साथ एंगल, वो दोनों के दोनों बराबर। नॉर्मल में था, नॉर्मल एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर आती है इस स्ट्रेट बार के ऊपर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल माउथ कर्सर से नजर आ रहा है, इस तरह से लाइन आके आएगी इस तरफ, तो इस नॉर्मल लाइन से यहाँ तक का एंगल, नॉर्मल लाइन से यहाँ तक का एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो रिफ्लेक्शन होगा वहां पर। तो कहता है कि द इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो इंसिडेंट वेव थी। इट कैन बी सीन दैट द रिफ्लेक्टेड वेव ऑबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट वेव जो होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो ऑबे करती है किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है एग्जाम्पल, कहता है द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल, जो बात मैं आपसे कह रहा था, विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव का एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट आई है तो एंगल आई लिख दें और रिफ्लेक्टेड का एंगल आर लिख दें, दोनों क्या होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो वो कहलाता है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल शुड बी इक्वल, एंगल आई बराबर होना चाहिए एंगल आर के, तो वो कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ये होता है जिस एंगल से आके लाइट टकराती है उसी एंगल से वो टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, जाहिरी बात है मीडियम की बात कह रहा हूँ, तो ये देखें ये एक अलग मीडियम है, ये एक बार है, ये मीडियम सॉलिड है, ये लिक्विड था, आया टकराया और चला गया, जरूरी नहीं है कि लिक्विड जाके टकराएगा, एक रोशनी भी आ सकती है, लाइट भी आ सकती है, वो आती है टकराती है और चली जाती है मुड़ जाती है, जिस एंगल से आके टकराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है ये। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कहता है, हेंस वी डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, किस तरह डिफाइन करते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स इनटू अ सेम मीडियम, सेम मीडियम हो गया ना, ये मीडियम जो था वो लिक्विड था, उसी लिक्विड में ही रही, इससे बाहर नहीं गई, इसको क्रॉस नहीं किया, उसी मीडियम में रही, तो बाउंसिंग बैक यानी कि वापस आ गई वेव्स इनटू सेम मीडियम तक बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस। सॉलिड था ना, स्ट्रेट बार था, वो सॉलिड था, ये लिक्विड, ये वाटर वेव लिक्विड थी, ये अपने ही मीडियम में वापस आ गए, हवा है तो हवा में रोशनी हवा हवा में है, जाके टकराई दीवार से वापस हवा में आ गई, तो सेम मीडियम में आ गई, अपने ही मीडियम में आ जाए, ऐसा नहीं कि उस पानी के अंदर हवा में रोशनी थी और पानी के अंदर चली गई, ये रिफ्लेक्शन निकलाएगी, ये दूसरी चीज कहलाएगी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको, तो उसी मीडियम में टकरा के वापस उसी में आ जाए, हम दीवार है, रोशनी टकराती है हमें नजर आती है, तो हवा से रोशनी जाती है दीवार की तरफ, दीवार के अंदर से नहीं गुजरती, वापिस वो हवा में आ जाती है, तो रिफ्लेक्शन के अंदर उसी मीडियम में वो बाउंस बैक होगा, याद रख लें, पास थ्रू नहीं होगा मीडियम से, मीडियम में क्या होगा वो बाउंस बैक होगा, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, अदर मीडियम के अंदर नहीं जाएगा, अदर मीडियम में, डू नॉट वेंट इनसाइड द मीडियम, अदर मीडियम याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है,
अब सेकंड टॉपिक आ रहा है जिसमें क्या होगा, लाइट टकराएगी लेकिन मीडियम के अंदर भी गुजरेगी। तो जब मीडियम के दूसरे मीडियम के अंदर गुजरेगी तो उसे कहलाएगा रिफ्रेक्शन ऑफ वेव। देखो नोट्स में लिखा हुआ है मकसर है रिफ्रेक्शन ऑफ वेव। इसमें क्या होगा, लाइट टकराएगी और अपने मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम के अंदर गुजरेगी, पास होगी, वो कहलाएगा रिफ्रेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन जो पहले पढ़ा था उसके अंदर दूसरे मीडियम के अंदर पास नहीं होती, वापिस अपने मीडियम में आ जाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखें इसको अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लीजिएगा, ये आपको बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और ये क्लियर होना चाहिए। अब फिर कहता है 10.12, ये नजर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। एक दो बातें करेगा, जब रिफ्रेक्शन की बात करेगा तो वहां दो बातें करेगा, जिस तरह वहां दो बातें कर रहा था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की, यहाँ पे दो बातें करेगा, एक डीप वाटर एक शेलो वाटर। डीप का मतलब है गहराई, समंदर में शिप चलते हैं और गहराई होती है तो आसानी से सफर कर लेते हैं, और शेलो हो जाए वाटर, शेलो हो जाए यानी कि कोई चट्टान आ जाए तो वो हिट कर जाते हैं उसको। लेकिन अगर हम वाटर वेव सराउंड करते रहे तो हमें अंदाजा रहेगा कि आगे जाके कितनी डेप्थ है, शेलो के कहां पर है, क्योंकि जब शेलो होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये जरा आगे की चीजें हो जाएंगी, वापस आते हैं कम टू टॉपिक। तो रिफ्रेक्शन ऑफ वेव में कहता है ये 10.12 को स्टडी कराएंगे, यहाँ पे दो बातें करेंगे, एक डीप वाटर की और दूसरी शेलो वाटर की। डीप का मतलब है गहराई तक कोई चीज नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। शेलो वाटर का मतलब ये है कि गहराई नहीं है, कोई ना कोई हर्डल है। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, नीचे देखिए 10.13 में, जिसमें देखें यहाँ पे ये डीप सेक्शन है, ये सेक्शन देखें कसर देखें मेरा पिक्चर में, सेक्शन ऑफ रिपल टैंक, ये जो सेक्शन है इसमें क्या है, ये डीप है और ये शेलो हो गया। शेलो का मतलब यहाँ पे कुछ रख दिया, जैसे समंदर में चट्टान आ जाती है, दरिया में कोई रुकावट पड़ी हो, अंदर कोई हर्डल पड़ी हो, कोई पत्थर पड़ा हुआ हो बड़ा सा कोई, तो वो आ गया। तो अब क्या हुआ, जो एक यहाँ पे कोई वाइब्रेटर था जिसने क्या किया था, वेव जनरेट की थी। अब जो वेव है ये जा रही है, देखें नॉर्मल थी, अब देखें ये क्या हो गया, ये इनका क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला कम हो गया, क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला सेम है यहाँ पे, लेकिन वो चेंज है इसके मुकाबले में, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा थी, यहाँ वेवलेंथ कम। तो जाहिर बात है ये चीज वेवलेंथ के ऊपर इशू करती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, याद रखिएगा। जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है वही पानी के जो वाटर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, लेकिन सिर्फ वेवलेंथ में फर्क आता है। दो बातें करेंगे यहाँ पे, एक डीप वाटर की स्टडी करेंगे, एक शेलो की। शेलो का मतलब क्या होगा, कोई रुकावट होगी। अब क्या कहता है नोट्स देखते हैं यहाँ पे, फिगर कहता है 10.12 में कहता है शोज हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम रिफ्लेक्शन को, रिफ्रेक्शन को, व्हेन अ फ्लैट पीस ऑफ ब्लॉक इज इमर्ज इन अ रिपल टैंक। यहाँ पे रख दिया है पीस एक ब्लॉक का, या यहाँ पे भी रख दिया अंदर कहीं पे, ठीक है। वाटर डेप्थ बिकम शेलो, अगर आपने कोई चीज उसके अंदर रख दी है तो अब वो शेलो हो गया, उसकी डेप्थ कम हो गई। शेलो का मतलब है डेप्थ को रिवर्स हो गया, डेप्थ में गहराई होती है, शेलो में गहराई नहीं होती, शेलो जो है वो डीप का रिवर्स है, याद रख लीजिए। ए फ्लैट पीस रखा, व्हेन अ फ्लैट पीस ऑफ अ ब्लॉक इज इमर्ज इन अ रिपल टैंक, ये भी रिपल टैंक की मिसाल है, ये भी रिपल टैंक की मिसाल है, दोनों ही रिपल टैंक की मिसाल है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नजर आ गया है, ग्लास प्लेट, सेकंड पिक्चर नीचे जो है देखिए, ग्लास प्लेट टू डिक्रीज डेप्थ एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, डेप्थ को कम कर देगा, शेलो हो गया। जब भी शेलो हो गया इसका मतलब कोई हर्डल है वहां पे, कोई रुकावट है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी वाटर वेव की लेकिन उसकी वेव लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो कहता है कि यू विल फाइंड दैट द वेव लेंथ ऑफ द प्लेन वेव शॉर्टन एंड चेंजेस डायरेक्शन, इसकी जो वेव लेंथ है वो कम हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज कर लेगी। यहाँ पे देखें इसमें तो डायरेक्शन चेंज नजर नहीं आ रहा, इसमें वाज नजर आ रहा है, ये जा सीधी रही थी लेकिन क्या हो थोड़ी ट्रिल्ड हो गई, थोड़ी सी ट्रिल्ड हो गई,
यहाँ देखें, एक डार्क स्पेस से दूसरे डार्क स्पेस के दरम्यान में डिस्टेंस है, पिक्चर ऊपर बता रहा हूँ, 10.12 में एक डार्क स्पेस से दूसरे डार्क स्पेस के दरम्यान में डिस्टेंस है, थोड़ा ज्यादा है, बराबर का है, यहाँ तक टकराने से पहले बराबर बराबर का है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नजर आएगा किसके मुकाबले में, टकराने के बाद शेलो वाटर, जैसे ही आ गया शेलो वाटर आ गया तो वहां पे वेवलेंथ क्या हो गई, देखें ये डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है फिजिकली और ये डिस्टेंस कम नजर आ रहा है, सारे इक्वल हैं, लेकिन इस वाले से डीप वाले वाटर के यानी कि एक डार्क इमेज से दूसरे डार्क इमेज के दरमियान का जो फासला है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, यहाँ ज्यादा है डीप वाटर में, यहाँ पे शेलो वाटर में कम, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, शेलो वाटर का मतलब ये है कि उसमें कोई रुकावट आ गई, कोई हर्डल आ गई, जिसकी वजह से उसने डायरेक्शन भी चेंज की और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे दोबारा नोट्स में आते हैं, यू विल फाइंड एट द वेवलेंथ ऑफ द प्लेन वेव शॉर्ट एंड चेंजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। पिक्चर कहता है, हमारे पास 10.13 कहता है, एज दे मूव फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया डीप टू शेलो वाटर। अब 13 में लेके आ गया हमारे को निकाली पिक्चर के अंदर, कहता है कि यहाँ पे आप फाइंड कर मालूम कर सकते हैं वेवलेंथ को प्लेन की, जो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का फासला, या एक टफ से लेके एक टफ तक का फासला, फिर एक क्रस्ट से एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट, तो यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला यहाँ ज्यादा है, और जैसे ही शेलो हुआ, जैसे कोई रुकावट हुई, तो वो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे का वेवलेंथ शॉर्टन हो जाती है और डायरेक्शन चेंज कर लेती है, यहाँ पे तो वाज नजर नहीं आ रहा, डायरेक्शन ऊपर नजर आ रहा था आपको। बिटवीन टू मीडिया, दो मीडिया में, एक मीडिया कौन सा है, एक डीप है और एक शेलो है, डीप टू शेलो वाटर, डीप से जो शेलो वाटर में जाएंगे, और अगर शेलो से डीप में आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, पहले वेवलेंथ कम थी, फिर क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी उसकी, वाइस वर्सा है। हाउ एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव स्टे द सेम इन द बोथ वेव बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर। ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है और जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ये वही है जो यहाँ पे वाइब्रेटर लगा रखा है, जो आपने यहाँ पे पानी के वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटर जो इससे पहले लेक्चर में दिखाया था कि एक वाइब्रेटर था अप डाउन मूव करके रिपिल में एक वेव्स पैदा कर रहा था एक रिपिल टैंक के अंदर, तो जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी इस पूरे की भी होगी, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे शेयरों में हो चाहे आप डीप रीजन में हो, दोनों में से किसी भी रीजन में हो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। डीप से अगर जाएगा वो शेलो में जाएगा तो उसकी इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जब शेलो से वापस डीप में आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ओ सॉरी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है जी। कहता है दिस रिजल्ट शोज डेट द स्पीड ऑफ द वेव इन द वाटर डिपेंड ऑन वाटर डेप्थ, इसका मतलब जो स्पीड है वेव की वो डिपेंड करती है किस पे, पानी की गहराई पे, उसकी डेप्थ पे। वेव ट्रेवल फास्टर इन डीप, जब वो डीप होता है शेलो नहीं होता वो तेज मूव कर रहा होता है क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होती, देन अ शेलो वाटर, डीप वाटर के मुकाबले में शेलो वाटर के अंदर। तो यहाँ पे कहता है कि वेव ट्रेवल करती है फास्टर डीप वाले वाटर में एज कंपेयर टू द शेलो वाटर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्रेक्शन। इसका दूसरी डेफिनेशन बताता है, व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम रीजन ऑफ डीप वाटर टू अ शेलो वाटर, यानी कि जिसमें गहराई थी उससे आया उस एरिया में जहां पे कुछ रुकावट थी, कुछ हर्डल थी, एट एन एंगल, किसी भी एंगल से आया हो, द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेगा और साथ में उसकी वेवलेंथ को शॉर्टन कर देगा, क्लियर है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है डिफ्रेक्शन ऑफ वेव। डिफ्रेक्शन क्या कहता है, डिफ्रेक्शन क्या करता है कि यहाँ पे कोई वाइब्रेटर है, यहाँ वाइब्रेटर क्या कर रहा है, अप डाउन मूव कर रहा है, इससे वेव बन रही है, लेकिन जब वो जा रही थी किसी रिपिल टैंक में तो वहां एक हर्डल रख दी हमने, हर्डल में एक ओपनिंग है, हर्डल में एक ओपनिंग है, ओपनिंग है तो मतलब वो इसको इस हर्डल में से पास नहीं हो रहा, इसकी ओपनिंग में से पास हो रहा है। यहाँ पे नजारा देखें, हर्डल है बीच में, शेलो रीजन है यानी कि हर्डल था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, एक अपर है एक डाउन में दिखा रखा है, यहाँ पे इसका उनके गैप बढ़ा दिया तो सर पैटर्न चेंज हो गया, देखें वेव का पैटर्न ये कुछ अलग है और ये देखें अलग, ये एक सर्कुलर पैटर्न है और ये एक प्लेन आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा पैरेलल टाइप का आ रहा है,
वो गोल गोल सर्किल की फॉर्म में आ रहा है और ये पैरेलल फॉर्म में आ रहा है। तो जो पैरेलल फॉर्म में आता है उसको प्लेन वेव पैटर्न कहते हैं, और जो गोल गोल सर्किल में आता है उसको कहते हैं सर्कुलर वेव पैटर्न। देखिए वहां भी दो बातें थी, रिफ्लेक्शन में भी या रिफ्रेक्शन में भी, और अब डिफ्रेक्शन में भी दो बातें, दो किस्म के पैटर्न बनेंगे, एक सर्कुलर वेव बनेंगी एक प्लेन वेव बनेंगी। किस तरह से, देखिए फिगर कहता है 10.14, 10.14 ही है दोनों। व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट, और आ स्ट्रेट सरफेस विद अ गैप, या तो कोई रुकावट कह लें इसको शेलो रीजन को, या ये बोलते हैं आप इसको कि ये एक स्ट्रेट सरफेस है जिसमें गैप है, बीच में क्या है गैप है। इन अ रिपिल टैंक इज प्लेस इन अ पाथ ऑफ इनकमिंग वाटर वेव्स, एक वाटर वेव्स आ रही है उसके दरमियान में क्या है कि ये एक ओपनिंग वाला एक शेलो रीजन आ गया, ओपनिंग वाला एक शेलो रीजन आ गया। दे स्ट्राइक, जो वेव्स आ रही हैं ऊपर फिगर में या नीचे फिगर में स्ट्राइक टकराती हैं इससे, द वेव विल बेंड अराउंड द साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, जब यहाँ टकराती हैं तो वहां बेंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं। आ सीधी रही थी वेव, बिल्कुल प्लेन पैटर्न में आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पे मूव पैटर्न चेंज हो गया, प्लेन पैटर्न से सर्कुलर हो गया, प्लेन से प्लेन ही रहा लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा। क्या है वो बताते हैं भी आपको, ये इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही थोड़ा सा फर्क पड़ा इसका। तो और स्प्रेड आउट एज दे पास थ्रू अ गैप, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन से आके टकराती हैं तो बेंड हो जाती हैं या वो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं गैप के बाद। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन, ऐसा ओपनिंग में से किसी वेव का गुजरना वो कहलाता है डिफ्रेक्शन। अब ये दो पैटर्न क्यों बन रहे हैं, तो ये भी बड़ी की पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। डिफ्रेक्शन इज ओनली सिग्निफिकेंट, डिफ्रेक्शन वहीं पर ही नजर आएगा, कहाँ पे, इफ द साइज ऑफ द गैप इज अबाउट द सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो ये वेवलेंथ आर, जो वेव आ रही है, जो इसकी वेवलेंथ है, जो वेव आ रही है इसकी जो वेवलेंथ है, अगर इसके बराबर की ही इसकी ओपनिंग है तो क्या होगा, ये पैटर्न नजर आएगा। अगर इसके बराबर ही की इसके बराबर ही है तब भी नजर आएगा आपको, लेकिन ये अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें बताएंगे दोनों को फर्क बताएंगे आपको। तो यहाँ पे कहता है डिफ्रेक्शन को सिग्निफिकेंटली आप तभी सीन कर सकते हैं इफ द साइज ऑफ द गैप इज अबाउट द सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ यानी कि जो पानी आ रहा है, जो वेव्स आ रही हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो और इसका ओपनिंग का साइज सेम हो तो आपको कुछ नजर आएगा, पैटर्न नजर आएगा। नेरो द गैप, अगर वो बहुत ही नेरो हो गया, हुज विड्थ इज इक्वल टू द वेव ऑफ द इनकमिंग रिपिल, द रिपिल डेट पास थ्रू द गैप आर ऑलमोस्ट सर्कुलर, कहता है दोनों में बताया इसने, कहता है कि अगर वो बराबर है तो पैटर्न चेंज करेगा, लेकिन अगर उससे भी छोटा हो जाए, अगर जो इनकमिंग वेव लेंथ है, इनकमिंग जो पानी है, वाटर है, उसकी वाटर की जो वाटर वेव है, उसकी जो वेव लेंथ है, उसकी वेव लेंथ यानी पानी की जो पानी की जो वेव लेंथ है, वाटर की जो वेव लेंथ है इनकमिंग वाले की, अगर उसकी वेव लेंथ से ये ओपनिंग जो है और भी छोटी हो जाए तो क्या होगा, ये सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। और अगर वो उसके किससे छोटी ना हो तो वो एक प्लेन पैटर्न बनेगा। ठीक है, दोबारा स्टडी कर लेते हैं, देख लीजिए लिखा हुआ उसी को पढ़ रहे हैं। इफ द साइज ऑफ द गैप इज अबाउट द सेम, अगर साइज गैप का जो है वो सेम है किसके साथ, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव के साथ, या नेरो है बराबर है या उससे छोटा है, हुज विड्थ इज इक्वल टू द वेव ऑफ द इनकमिंग रिपिल के साथ, जो गैप है वो छोटा है इनकमिंग रिपिल के साथ, तो रिपिल डेट पास थ्रू द गैप आर ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड सीन द सीन टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स सिचुएटेड इन अ गैप, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है जिससे ये पैटर्न निकल रहा है सर्कुलर, अगर वो उसके बराबर हो या उससे छोटी हो, बराबर हो या उससे छोटी हो तब ये निकलेगा सर्कुलर पैटर्न, अगर वो उससे बराबर ना हो और बड़ी हो तो वो एक प्लेन पैटर्न निकलेगा। आ भी प्लेन रहा था, ये भी प्लेन है लेकिन हल्का सर्कुलर नजर आ रहा है यहाँ पर से। वाइडर गैप प्रोड्यूस लेस डिफ्रेक्शन, इसलिए वाइडर गैप हो गया यहाँ पे तो वो डिफ्रेक्शन इतना अच्छा पैदा नहीं कर रहा सर्कुलर, हेंस वी डिफाइन द डिफ्रेक्शन ऑफ द वेव एज, इतना डिफाइन कर सकते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव नियर एंड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन,
किसी भी ऑब्स्टेकल के बाद कोई एक स्प्रेडिंग पैटर्न नजर आए उसे डिफ्रेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, दिखा रहा था जो ए था, जो पिक्चर फिगर ए है, और नियर ऑब्स्टिकल है, वाइडर गैप है, लेस स्प्रेड हो रहे हैं, और नेरो है, उसमें वो पाला नेरो है, उसमें सर्कुलर हो रहे हैं, और वाइडर स्पेस है यहाँ पे, तो ये प्लेन हो रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद कहता है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द फॉलोइंग आर सम टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेव मोशन, वेव मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक वेव है, यहाँ से जनरेट हुई, ये आई, ये क्रस्ट आया, इसका ट्रफ आ गया, फिर क्रस्ट आ गया, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, चलता ही रहेगा। ठीक है, एक क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वो वेवलेंथ कहलाता है। यहां से यहां तक का फासला ले लें, यहां से यहां तक का फासला ले लें, इस एंड से इस एंड तक का ले लें, कहीं से भी इस एंड से आगे किसी बीच के एंड तक का ले रहे हैं आप, वो कहलाएगा उसका वेव लेंथ कहलाएगा। ये वेव का पैटर्न दिखा रहे हैं, इसी से स्टडी कर पाएंगे। तीन टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एक टाइम, तो टाइम क्या है, द टाइम टेकिंग फॉर फॉर एनी वन पॉइंट ऑफ द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जहां पे वो एक चक्कर पूरा कर ले, यहां से स्टार्ट हुआ वापिस यहाँ पे आ गया, तो वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। क्रस्ट से क्रस्ट, टफ से टफ ले लें, या और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वापिस यहाँ पहुंच गया तब वो ले लें, तीनों पोजिशन में कोई सा भी ले लें, वो वन ऑसिलेशन जहां बनेगा उसे कहेंगे हम टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट क्या है उसका, टाइम का हमेशा सेकंड ही रहता है, सेकंड चीज आती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कहता है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स, कोई भी सोर्स प्रोड्यूस कर दे नंबर ऑफ वेव्स, 10 करे, 5 करे, 50 करे, 1000 करे, वॉट एवर, पर यूनिट टाइम, किसमें, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो लाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। अब इसी को कहता है फ्रीक्वेंसी, इसके ये वर्डिंग में था तो ये इस तरह से बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस अपॉन पर टाइम, पर का मतलब डिवाइड होता है ना, पर टाइम टेकिंग, नंबर ऑफ कितनी, अगर फर्ज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो एक है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस में इसकी जगह हम वन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वन कर देंगे, और टाइम टेकिंग को टी ले लिया तो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, ये टी वहां चला जाएगा, एफ वहां जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास जानते हैं यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज होता है। अब आ गया इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, एक क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का, एक ट्रफ से ट्रफ तक का, किसमें, ट्रांसवर्सिव वेव में, ऐसी जो ऐसे साइन वेव बन रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो वेव की स्रोत बन रहा होता है उसको ट्रांसवर्सिव वेव कहा जाता है, पहले स्टडी कर चुके हैं। और या टू एंड कहते हैं एंड टू, नीचे देखें, सक्सेसिव कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन, जहां पे डार्क इमेज आ जाते हैं करीब करीब आ जाते हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और जहां डार्क इमेजेस दूर दूर जाते हैं वो रिफ्रेक्शन कहलाते हैं। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन किस में होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है, जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसका यूनिट तो मीटर ही होता है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर। जो डार्क करीब करीब आ गए डार्क स्पेसेस वो कंप्रेशन है, जो दूर दूर चले गए डार्क स्पेसेस वो कहलाएगा रिफ्रेक्शन। अब कहता है स्पीड, वेव स्पीड जिसको 20,000 करते हैं, तो स्पीड एट विच द वेव ट्रेवल, स्पीड वेव क्या होगी, वो स्पीड जिससे वेव ट्रेवल करें उसको स्पीड ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, वही चीज के जो फासला कवर करें ना पर्टिकुलर टाइम, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पढ़ना हमने ये पढ़ा था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकिंग, नाइन्थ में पढ़ा था हमने फिजिक्स में, v इज इक्वल टू s ओवर t, ये भी पढ़ा था हमने। यहाँ पे कहता है इट इज डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गिवन पॉइंट ऑन अ वेव, कोई किसी पॉइंट पे वेव ने जो फासला कवर किया, किसी कितने दूर तक उसने फासला कवर किया, such as crest, crest से ले लें आप एक reference, in a given time, interval of time, किसी particular time के अंदर, ये इस वेव ने इतना फासला कवर किया इतने सेकंड में, वो कहलाएगा उसकी स्पीड। तो स्पीड यानी कि कितना फासला कवर किया है कितने टाइम में। ठीक है, कहता है अब ये डिस्टेंस जो है इसको लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ, और टाइम टेकिंग उसको टी, तो छोटे टी को बड़ा टी कर देंगे हम, तो एच की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, टी की जगह पे टी बड़ा टी आ जाएगा, तो वी बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी।
हम जानते हैं वन अपॉन टी बराबर होता है एफ के, तो ये टी खत्म हो जाएगा, वी अपनी जगह पे इज इक्वल टू जाएगा, लैम्डा अपनी जगह, वन अपॉन टी की जगह क्या हो गया एफ हो गया, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी एक फार्मूला बन जाता है। और इसी को अगर आगे करेंगे तो ये टी यहाँ डिवाइड कर मल्टीफाई करेगा, तो एस इज इक्वल टू वी टी, तो एस इज इक्वल टू कुछ भी बना लें आप फार्मूला, एस लैम्डा है तो लैम्डा है, वी वी है, टी जो छोटा नहीं था वो बड़ा टी हो जाता है, कैपिटल टी जाता है। तो ये फॉर्म रिटर्न में कहता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम जो करेंगे उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आ गया द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, तो कहते हैं यहाँ पर दो किस्म के पैटर्न बनते हैं आपके पास, जो डिपेंड करते हैं सोर्स के ऊपर। जो आपका वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर की सोर्स क्या है, अगर स्फेरिकल डिपर है वाइब्रेटर है तो वो गोल सर्कुलर किस्म की वेव बनाएगा, अगर स्ट्रेट किस्म का डिपर है तो स्ट्रेट वेव बनेंगी आपके पास, गोल गोल नहीं आएंगी, अगर स्फेरिकल है तो सर्कुलर बनेंगे हमारे पास। तो वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन बनी हुई है, लाइन नहीं होती है, वेव्स होती हैं, फिर वो ऑन अ वेव, वेव के ऊपर एक लाइन बनी होती है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी की लाइन बनकर, एक्चुअली वेव होती है। डेट ज्वाइंस ऑल पॉइंट्स डेट आर इन द सेम फेज, जो एक ही किस्म के फेज, इनकी फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड सब उनका सेम सेम था, तो वो एक लाइन की सूरत नजर आती है आपको, चाहे वो सर्कुलर में देख लें चाहे आप वो स्ट्रेट में देख लें। सर्कुलर वाले को हम सर्कुलर स्फेरिकल वेव बोलेंगे वहां पे हम, ठीक है, या सर्कुलर वेव बोलेंगे, और जो स्ट्रेट अप डाउन होकर सीधी जा रही है, अप डाउन होकर सीधी जा रही है, वो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे प्लेन वेव बोलेंगे। तो दो टर्म हो जाएंगे यहाँ पे भी। अ वेव फ्रंट इज यूजुअली ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल द वेव क्रेस्ट, तमाम क्रेस्टों को ज्वाइन कर लें तो वो एक वेव की फॉर्म बन जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव फ्रंट, दो किस्म के वेव फ्रंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेव आर प्रोड्यूस, कहता है कि कैसे वेव प्रोड्यूस की है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि एक सर्कुल स्फेरिकल डिपर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर में देखें ऊपर में क्या रहा है, जिसमें इसको कहते हैं स्फेरिकल डिपर, गोल डिपर है, जैसे उसको डिप करेंगे अब पानी में, जैसे डिप करेंगे गोल सर्कुलर वेव बननी शुरू हो जाएंगी, और ये एक स्ट्रेट किस्म का डिपर था, लकड़ी है, स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे अप डाउन डिप करेंगे तो वो अप डाउन वेव बननी शुरू हो जाएंगी, गोल गोल नहीं बनेंगी। ठीक है, तो दो किस्म के होते हैं विच आर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब ये हमने थ्योरम से पढ़ा था, जिनका सेंटर सेम हो, ये छोटा सर्किल इसका सेंटर भी यही है, याला सर्किल इसका सेंटर भी यही है, याला सर्किल इसका सेंटर भी है, याला सर्किल इसका भी सेंटर है, ये अवे जाती जाएंगी और बहुत सारे सर्किल बनते जाएंगे, सबका सेंटर एक ही होगा, जिसका सबका सेंटर एक हो उन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो स्फेरिकल डिपर जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं वहां पर, और जो स्ट्रेट डिपर होता है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, सीधी एक लाइन बनाता है, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो फिगर कहता है कि 10.16 ए में दिखा रहा है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक वाले, और 10.16 बी में दिखा रहा है स्ट्रेट वाले। 10.16 ए में क्या है, इन अ रिपल टैंक डिपर कैन प्रोड्यूस सर्कुलर वेव, डिपर प्रोड्यूस कर सकता है सर्कुलर को, इसलिए कि वो स्फेरिकल डिपर था। दीज वेव्स हैव अ सर्कुलर वेव फ्रंट, तो ये जो वेव बनती है गोल गोल वाली वो सर्कुलर वेव फ्रंट लाती है। 10.16 बी में कहता है इन अ रिपल टैंक अ प्लेन डिपर कैन प्रोड्यूस प्लेन वेव, अगर एक स्ट्रेट डिपर है प्लेन डिपर है तो प्लेन वेव बनाएगा हमारे पास। दीज वेव्स हैव अ प्लेन फ्रंट वेव, देखें क्लियर हो गई तमाम चीजें, आज कोई चीज हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।